प्रदेश सरकार देश के विभिन्न राज्यों में फंसे श्रमिकों को वापस लाने में लगातार लगी हुई है। इसी क्रम में सोमवार की सुबह 1200 श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन गाजीपुर पहुंची। आपको बता दें कि श्रमिकों की स्क्रीनिंग के लिए स्टेशन पर पूरी व्यवस्था की गई थी। जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह इस दौरान मौजूद रहे। ट्रेन के पहुंचने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी की थर्मल स्क्रीनिंग कर उन्हें बसों में बैठाया गया, साथ ही उनका पंजीकरण भी किया गया। इसके बाद किसी में भी कोरोना के लक्षण न मिलने पर उन्हें नाश्ता देकर उनके संबंधित क्षेत्रों में भेज दिया गया। प्रशासन द्वारा सभी को होम क्वारंटीन रहने के आदेश भी दिए गए हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर रेलवे स्टेशन परिसर में कई घंटे पहले ही तैयारी पूरी कर ली गई थी। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम, SDM सदर, CO सिटी एवं कई थानों की फोर्स भी स्टेशन पर मौजूद रही। जिलाधिकारी स्वयं पल पल की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। इस दौरान प्रमुख समाजसेवी विवेक सिंह शम्मी तथा यशवंत राय ने स्टेशन पर पुलिस प्रशासन व लोगों के लिए चाय, बिस्किट और पानी की व्यवस्था भी की थी। साथ ही बता दें कि विवेक सिंह शम्मी और यशवंत राय लॉकडाउन की शुरुआत से ही लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। स्टेशन पर जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह, ADM राजेश सिंह, SDM रमेश मौर्य, SP ग्रामीण चंद्र प्रकाश शुक्ला, CDO श्री प्रकाश गुप्ता, DPRO अनिल सिंह, CO ओजस्वी चावला, कोतवाली प्रभारी धनंजय मिश्रा, SO नगसर रमेश कुमार, यातायात प्रभारी सुधीर त्रिपाठी, महिला थानाध्यक्ष ममता, कोतवाली मुंशी उदयभान सिंह सहित सभी पुलिसकर्मी और कर्मचारी उपस्थित रहे। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।